तो फाइनली दोस्तों आज जो है वो फौजी गेम जो है वो अवेलेबल हो गया है प्ले स्टोर पे, आप जाके वहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कि फौजी और पबजी में क्या डिफरेंस है। हालांकि जो इसके CEO है, इसके विशाल गोंडल जी, उसने बताया है कि ये पबजी से बिल्कुल अलग होने वाला है और कोई भी चीज़ आपको सिमिलरिटीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। और हालांकि यही चीज़ यहाँ पे हुई है, इस गेम में कोई भी चीज़ जो है वो पबजी से मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो रजिस्ट्रेशन हो चुके थे गेम लॉन्च होने से पहले ही, वो हो चुके थे 5 मिलियन से ज़्यादा, और इसकी जो हाइप थी मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पबजी से क्या डिफरेंस मिलता है इस गेम में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको और भी देखने को मिलती रहे। दोस्तों बेसिकली हम इस गेम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स नहीं मिलते हैं जैसे पबजी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो गेम है उसमें आपको सिर्फ और एक ही जो मोड है स्टोरी मोड वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली छोटे छोटे यहाँ पे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे जाके आपको फाइट करना है, उसे जीतना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गलवान घाटी है उससे रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बनाई गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो बेसिक सेटिंग है, यहाँ पे सेंसिटिविटी आप चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम है, म्यूज़िक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे ये जो कंपनी है वो क्लेम करती है भी इसकी जो रेवेन्यू है उसकी 20% यहाँ पे वीर भारत को जाएगी यहाँ पे। और इसी के साथ जो अपडेट है वो ये है कि जो मैप्स है जैसे आपको पबजी में देखने को मिलता है या फिर मल्टीप्लेयर मोड जो है वो अभी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट में मिलने वाली है आने वाले टाइम में। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर आपको सभी तरह के ग्राफिक्स है, नॉर्मल है, हाई है और मीडियम भी है। आप किसी भी फोन पे यहाँ पे खेल सकते हैं और आप बहुत अच्छा ग्राफिक्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं पबजी की तरह, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है वो 488 MB की ही दी गई है, तो ज़्यादा यानी साइज़ भी नहीं है गेम का। तो उस हिसाब से जो ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा डर लगता है, कलर्स उतने अच्छे आप नहीं कह सकते यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ। दोस्तों सबसे यूनिक चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे जो वेपन्स है वो यहाँ पे आपको नॉर्मल वेपन्स मिलते हैं, वो कोई भी गन वगैरह नहीं मिलता है, जैसे कुल्हाड़ी ये जो नॉर्मल होते हैं जो हम अपने इंडिया में देखते हैं खासकर, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको मर्चेंडाइज का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको हुडीज़ वगैरह या फिर टी शर्ट्स वगैरह चाहिए फौजी से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो इसमें भी बोलती है कि 20% जो है वो यहाँ पे वीर भारत को चाहता है, अब जाएगा नहीं जाएगा वो तो अलग बात है। आगे दोस्तों हम यहाँ पर अगर बात करें दूसरी चीज़ों की, जैसे क्या डिफरेंस है यहाँ पे पबजी से, तो पबजी से तो बिल्कुल ही अलग है और उन्होंने कहा भी है जो कि इसके CEO है विशाल गोंडल जी, ये पबजी से बिल्कुल अलग है, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे तो जो यहाँ पर ट्रेलर है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है, पबजी से भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन रियलिटी में जब आप गेम खेलेंगे तो उतना भी ज़्यादा आप नहीं कह सकते, लेकिन अभी नया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो अगर आप थोड़ा सा मौका देते हैं इसको तो और धीरे धीरे अपडेट होते 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 वो काफ़ी अच्छी काफ़ी नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।